सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी यूट्यूब अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स एजुकेशन क्विक टू द पॉइंट कार्यक्रम में आज का हमारा टॉपिक है उत्परिवर्तित कोरोना वायरस। इस टॉपिक पर डिस्कशन शुरू करने से पहले एक इम्पोर्टेंट न्यूज आप सभी के लिए, बिना स्किप किए अंत तक देखिए। मैं के कुमार आज आपको बताने जा रहा हूँ यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी हेतु अन अकेडमी के आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के बारे में। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें पर्सनल कोच आपको मिलता है, जो आपको उत्तर लेखन का अभ्यास कराता है, स्टडी प्लानिंग में मदद करता है और एक्सपर्ट गाइडेंस भी इसमें मिलती है। साथ ही प्लस कोर्स की सभी सुविधाएं भी इसमें आपको मिलती रहेंगी। इस कोर्स की काफी डिमांड भी है, फीस बढ़ने से पहले परचेज कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में अवेलेबल है। और पूरा पेमेंट आपको नहीं करना है, यूज कोड CAEYT10 एंड गेट सुपर डिस्काउंट इंस्टेंटली। आइए अब हम देखते हैं यह चर्चा में क्यों है। हाल ही में नोवेल कोरोना वायरस के एक नए उत्परिवर्ती यानी कि म्यूटेटेड स्वरूप का पता चला है, जो यूनाइटेड किंगडम में फैले नए संक्रमण के लिए उत्तरदायी है। मानव में होने वाले संक्रमण के पहले मामले से लेकर अब तक इस वायरस में कई परिवर्तन हो चुके हैं। आइए अब हम देखते हैं कोरोना वायरस में उत्परिवर्तन। उत्परिवर्ती वायरस की पहचान N501Y के रूप में की गई है और इसके चलते स्पाइक प्रोटीन में उत्परिवर्तन की संभावना व्यक्त की जा रही है। कोरोना वायरस का स्पाइक प्रोटीन ही वह घटक है जो मानव प्रोटीन के साथ मिलकर संक्रमण की प्रक्रिया शुरू करता है। यह परिवर्तन संभवतः वायरस के व्यवहार को प्रभावित कर सकता है, जिसमें वायरस की संक्रमण क्षमता, गंभीर बीमारी के लिए उत्तरदायी होना अथवा टीकों द्वारा विकसित प्रतिरक्षा प्रक्रिया को निष्प्रभावी करना शामिल है। स्पाइक प्रोटीन के एक हिस्से में एकल न्यूक्लियोटाइड परिवर्तन हुआ है, इसलिए यह रोग की जैविकी यानी कि बायोलॉजी या निदान डायग्नोस्टिक को प्रभावित नहीं करेगा। संक्रमण और टीकाकरण पर प्रभाव। कोरोना वायरस वायरस के विभिन्न टीकों को इस प्रकार विकसित किया गया है कि वे मानव शरीर में स्पाइक प्रोटीन को लक्षित करने में सक्षम एंटीबॉडी का निर्माण कर सकें। टीके स्पाइक के कई क्षेत्रों को एक साथ लक्षित करते हैं, जबकि उत्परिवर्तन किसी एक बिंदु पर होने वाले परिवर्तन को संदर्भित करता है। अतः केवल एक उत्परिवर्तन का तात्पर्य यह नहीं है कि टीके काम नहीं करेंगे। SARS-CoV-2 के सभी उपभेद अनुवांशिक रूप से एक दूसरे के समान होते हैं और वैज्ञानिकों का मानना है कि इन उत्परिवर्तनों का प्रभाव अब तक देखे गए प्रभावों से अधिक नहीं होगा। कुल मिलाकर उत्परिवर्तनों की कोई निश्चित दिशा नहीं होती, वे किसी भी रूप में विकसित हो सकते हैं। उदाहरण के लिए वायरस का एक अलग स्ट्रेन रूप अधिक संक्रामक तो हो सकता है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि उससे बीमारियां भी बहुत अधिक हों। शोधकर्ताओं को म्यूटेशन पर नजर रखने की आवश्यकता है, क्योंकि अभी तक इस बात के साक्ष्य नहीं मिले हैं कि यूनाइटेड किंगडम में देखा गया इस वायरस का नया स्वरूप अधिक संक्रामक अथवा गंभीर टीकाकरण का प्रतिरोधी है। भारत में उत्परिवर्ती संस्करण। शोधकर्ताओं ने अब तक भारत में इस प्रकार का कोई उत्परिवर्तन नहीं देखा है। आइए अब हम देखते हैं उत्परिवर्तन क्या है। उत्परिवर्तन का तात्पर्य वायरस के अनुवंशिक अनुक्रम में परिवर्तन से है। SARS-CoV-2 जो कि एक राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी कि RNA वायरस है के मामले में उत्परिवर्तन अथवा म्यूटेशन का तात्पर्य उस अनुक्रम में परिवर्तन जिसमें उसके अणु व्यवस्थित होते हैं। SARS-CoV-2 ये वह वायरस है जो COVID-19 के लिए उत्तरदायी है। RNA एक महत्वपूर्ण जैविक बृहद अणु मैक्रोमोलिक्यूल है जो सभी जैविक कोशिकाओं में उपस्थित होता है। यह मुख्य रूप से प्रोटीन संश्लेषण में शामिल होता है। यह डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल यानी कि DNA के निर्देशों द्वारा नियंत्रित होता है। इसमें जीवन के विकास एवं रक्षण हेतु आवश्यक आनुवंशिक निर्देश शामिल होते हैं। DNA एक कार्बनिक रसायन है जिसमें आनुवंशिक जानकारी तथा प्रोटीन संश्लेषण के लिए निर्देश शामिल होते हैं। यह प्रत्येक जीव की अधिकांश कोशिकाओं में पाया जाता है। RNA वायरस में उत्परिवर्तन प्रायः तब होता है जब स्वयं की प्रतिकृति बनाते समय वायरस से कोई चूक हो जाती है। यदि उत्परिवर्तन म्यूटेशन के परिणाम स्वरूप प्रोटीन संरचना में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है तो ही किसी बीमारी के प्रकार में बदलाव हो सकता है। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।